ये इवेंट बहुत बहुत ही कमाल की सोच है, तो मैं इससे पहले भी इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी है बेटी बचाओ के ऊपर, तो मुझे लगता है कि हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और थोड़ा अजीब भी लगता है ये कि हम लोग इस पे बहस करेंगे कि लड़की चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे तो लगता है ये बात ही गलत है। बेटी बहन है, माँ है, भाभी है, सब हर घर के, इनके बिना कैसे घर चलेगा। तो इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा था और मुझे क्योंकि इनका ये अच्छा लगा, विजय साहब ने अच्छा काम किया है, इसे दूर तक पहुंचाने की उनकी पूरी कोशिश है, जो मैं चाहता हूं कि ये गांव तक पहुंचे जहां ये लोग सोच लेते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि बेटियों के हमारे ऊपर उस बोझ हैं क्योंकि हमें उनका दहेज देना पड़ता है, तो क्यों ना हम दहेज की प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश करें, बेटियों को क्यों ख़त्म करें। तो अगर कोई गलत काम होता है तो उस काम को ख़त्म करना चाहिए, उसके जुड़े इंसान को नहीं। तो हमें ज़्यादातर अभी एक डॉक्टर कह के गई हैं जिनके फैक्स भी बहुत ज़बरदस्त रहे, उन्होंने यही कहा कि सबसे बड़ा रीज़न लोगों का लड़कियों के मामले में यह है कि हमें दहेज देना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि लड़कियाँ प्रॉब्लम नहीं है, हमारा दहेज का जो सिस्टम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो इन चीज़ों को हमारे दिमाग में डालता है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो सबसे बड़ी बीमारी तो दहेज हो गया, तो दहेज को ख़त्म किया जाए। ये तभी होगा जब गाँव के लोग आपस में मिल बैठेंगे कि कोई ना दहेज देगा इस गांव का बंदा, ना किसी से दहेज लेंगे। तो हमें वो सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसे ठीक कर सकें ताकि लोगों को, ये पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, हमें मानना पड़ेगा इस बात को लेके कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। और जब इस तरह के हमारे सिस्टम होते हैं तो उसमें बहुत तकलीफ़ आती है लोगों को। तो मैं चाहूँगा कि बेटी से जुड़ी हुई जो चीज़ है, जो ये भाव देती है इंसान को, ये सोचने पर मजबूर करती है कि मुझे बेटी नहीं चाहिए क्योंकि दहेज है उसके साथ जुड़ा हुआ, तो दहेज को ख़त्म किया जाए। तो बेटी को कुछ मत कीजिए, बेटी को पढ़ाइए, बेटी का घर में आना जो है बहुत बड़ी चीज़ है। वो आप ऐसा नहीं सोच सकता कोई भी इंसान कि बेटी नहीं चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि बेटी हर घर में होनी चाहिए और इसको वेलकम कीजिए, इसका पूरा लाड प्यार से इसको पढ़ाइए और फिर देखिए इसका मज़ा ही कुछ और है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इस मुहिम को लेके ये बात दूर दूर तक पहुँचेगी। सर, बेटी बचाओ की जो बात है, सरकार ने भी कुछ किया है बेटी के लिए, जिसके घर में अगर बेटी पैदा होती है उसको 12-15-20 हज़ार रुपये दिया जाता है, दिल्ली सरकार ने किया है, मोदी जी ने, तो उसके बारे में क्या? बहुत बहुत अच्छी सोच है। फिर आपको इनकरेज किया गया उन लोगों को, जिन लोगों को बेटी के साथ जुड़ा हुआ दहेज जो है चेक दिया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी कोशिश है उनकी, प्राइम मिनिस्टर साहब की। मुझे लगता है कि लोग इनकरेज होंगे इसे, उसे लाखों में मिलेगा। तो ये बहुत 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 ही गवर्नमेंट की पहल है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह की जो बहुत सारी संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं इस काज में, वो भी इसी तरह की कोई स्कीम निकालें तो लोगों को रजिस्टर करें जिनके यहाँ बेटी हो रही है, तो उनको भी इसी तरह का कुछ फ़ायदा लाभ मिल सके। तो बाद में उनके पास कुछ इतना आ जाए कि कम से कम उनको ये चिंता न रहे कि बच्ची इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि दहेज नहीं दे पाए हम लोग। इस चीज़ को हम ख़त्म करें तो थोड़ा सरकार हेल्प करे, थोड़ी सी सोसाइटी हेल्प करे, तो मुझे लगता है ये चीज़ को कंट्रोल में किया जा सकता है। बेटी बचाओ के लिए फैशन शो भी किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े सितारे ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा जैसे रैप वॉक करते हैं बेटी बचाओ, उसके बारे में क्या है? बॉलीवुड भी आगे आता है इसके लिए। देखिए, उसका रीज़न यही है कि सब लोग चाहते हैं ना इस कॉज में। अगर फैशन शो इसीलिए किए जाते हैं कि कुछ पैसे इकट्ठे किए जाएँ, चैरिटी की जाए और वहाँ तक पहुँचाया जाए जहाँ पे पैसों की वजह से ये चीज़ें तकलीफ़ें सामने आ रही हैं, तो बॉलीवुड तो हमेशा अपना फ़र्ज़ निभाता ही आया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जो मेन स्टार्स हैं हमारे, वो आगे बढ़कर इन चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं और उनके मैसेज दूर दूर तक जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो मैं खुश हूँ इस बात से कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा इन चीज़ों में भी आगे रहती है। थैंक यू। थैंक यू।